ये हो गए 50,000, ये हो गए 20,000, ये हो गए 10,000, अब ये 80,000 रुपए हो गए। 84,000 थी 2 महीने की पेंशन मेरी, 4,000 निकाल लिए घर के खर्च के लिए, क्या करना है अब। ये अपनी दोनों बेटियों को दे दूंगी 40-40 हज़ार रुपए, तो करवा चौथ में कुछ खरीद लेंगी, नहीं बहू लड़का तो ले ही लेंगे। पता नहीं कैसे मकान ही नाम कर दिया था, अबे पेंशन थोड़ी ना देनी है उनकी, हमारे आदमी की कमाई है ये, अपनी दोनों बेटियों को दूंगी मैं, ये कुछ ले लेंगी कुछ बेचारी। मम्मी जी क्या है, क्या हुआ, सारा काम हो गया घर का, खाना ना बन गया? जी मम्मी सारा काम हो गया। मम्मी हमें आपसे एक बात कहनी थी, बताओ क्या बात कहनी है कहो। मम्मी करवा चौथ आ रहा है, अगर थोड़े से पैसे दे देती तो अपने लिए साड़ी और मेकअप का सामान ले आती जाके मार्केट से। अरे पैसे की तो बात ही ना करो, पैसे नहीं है, महीने में पापा की पेंशन आती है, पता नहीं कैसे आती है और कैसे खत्म हो जाते हैं पैसे, पूरा पैसा पापा के इलाज में खत्म हो जाता है, पापा की कितनी दवा आती है तुम्हें कुछ पता है? और फिर ये क्या है कि हर साल नई साड़ी खरीदो, अरे पिछली साल वाली पहन लेना, पैसा नहीं है हम नहीं दे पाएंगे पैसा ऐसा। करवा चौथ में नई साड़ी चाहिए इन्हें, इन्हें घर का नहीं पता कितना खर्च लगता है घर में। ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, चली गई महारानी, आई दी पैसे दे दो मम्मी, मेरे आदमी की पेंशन में छूत लगा दिया है, ये तो सोचती है बहुएं ये और ये लड़के कि पूरी पेंशन हमारे ऊपर लुटाते रहो, ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरे भी बिटिया दामाद हैं, हम उनको देंगे कि तुमको देंगे, अपना कमाओ खाओ। बताओ पैसे मांगो, 10 रुपए भी एक साल में नहीं निकलते हैं कि त्योहार में बहू के लिए 10 रुपए भी दे दे, अरे एक साड़ी भी ला के दे दे, पता नहीं पेंशन आती इनकी कहाँ चली जाती है। बस बहू तो काम करने के लिए बनाई गई है, कहाँ चौका बर्तन, बहू सास नहीं करेगी कुछ, बहू ही सब कुछ करेगी, तब ऐसे भाषण देती है बाहर बैठ के। क्या है अब अपनी मम्मी से ही मांगेंगे कि मम्मी त्योहार है पैसे देना, क्या करें, सास ही ससुर ऐसे हैं तो क्या कर सकते हैं, मन दुखी हो जाता है कि पूरी साल काम करो इनके घर में लेकिन त्योहार आता है तो एक साड़ी भी नहीं दिला पाती हैं कि खुशी में एक साड़ी भी दिला दें। मम्मी नमस्ते। अरे बेटा नमस्ते, आ गई, आ बैठो आके। अरे नमस्ते दीदी, नमस्ते भाभी, और कैसी हो? मैं ठीक ही हूँ दीदी, आप बैठो दीदी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? और बेटा ससुराल में सब कुछ बढ़िया है, दामाद बच्चे सब अच्छे हैं? हाँ मम्मी वैसे तो सब ठीक है, ससुर ही हमारे बीमार पड़े रहते हैं, मैंने तो इनसे बोल दिया है कि मैंने तुम्हारे पापा को रोटी खिला पाऊंगी, सारा दिन ये कर दो वो कर दो, परेशान ही करते रहते हैं। हाँ मैंने तो बोल दिया है मुझे नहीं करना है, अब उनकी बेटी ही उनको रोटी बना के खिलाती है, अब मैं तो अलग हो गई हूँ, मैं तो उनके घर रोटी बना के खिलाने नहीं जाऊंगी, तो बेटी ही बना के खिलाती है। सही कर रही हो बेटा तुम, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है रोटी खिलाने की, तुमको दिया ही क्या है उन्होंने, उनकी बिटिया खुद ही रोटी बना के खिलाएगी, अलग रहो आराम से और दामाद बच्चों का अपना ख्याल रखो, बस खुद ही उनकी अपना बिटिया खिलाएगी, क्या करना है तुम्हें, तुम टेंशन ना लिया करो, हम हैं तुम्हारे लिए जब तक मम्मी पापा तुम्हारे जिंदा हैं। ये लो दीदी। दीदी आप लोग बात करो, मैं तब तक घर का काम निपटा लेती हूँ, ठीक है? मैं आपके पास आती हूँ फिर थोड़ी देर में। ठीक है भाभी आप काम निपटा लो, जल्दी से आना, ठीक है? अरे मम्मी ससुराल की बातें छोड़ो, क्या करना है ये बताओ, करवा चौथ में हमें क्या दिला रही हो? रुको ये लो 80,000 रुपए हैं, ये पापा के पेंशन से कैसे मैंने बचा बचा के रखे हैं, ये 40,000 तुम ले लो और 40,000 पिया को दे देंगे, गिन लो अच्छे से, जो मन करे बेटा वो त्योहार में खरीद लो, करवा चौथ दिवाली यही तो बच्चों के त्योहार होते हैं, मेकअप का सामान साड़ी बेटा जो मन करे वो खरीद लो, और गोलू के लिए भी कपड़े दिलवा देना, कह देना नानी ने पैसे दिए, नहीं वो कहेगा नानी ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया दिवाली में, ठीक है? हाँ जल्दी गिन लो, नहीं आ जाएगी अभी, देख लेगी कि कितने पैसे दिए हैं। अरे मम्मी इतने पैसे, मैं तो खुद शॉपिंग करूंगी, क्या भाभी को भी दिए हैं? नहीं बेटा एक भी नहीं दिया, मांग रही थी मैंने बहाना बना दिया कि पापा के इलाज में पापा की बीमारी में सब पैसा जाता है, कहाँ बचता है, खर्चे के लिए तो घर के बचते नहीं है,
बना दिया बहाना। सही किया मम्मी नहीं दिया तो भाव बढ़ जाएंगे। कौन सा अपने बाप के घर से दहेज लेके आई थी। बिल्कुल सही किया। मैं तो ये कहती हूँ कि इन दोनों को घर से ही निकाल दो। अरे हम तो कल ही निकाल दे दोनों को। पर क्या बताएं, हम सबकी तो मती मारी गई थी ना, जो मकान उसके नाम करवा दिया था। चलो क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया पहले वो हो गया। अब जो कुछ है अब तुम्हारे दोनों का है। अब उसको कुछ नहीं देना हमें, बेटा बहू को। अब जो है तुम्हारा है, प्रिया का है, ये समझ लो। हमें कुछ एक कौड़ी नहीं देनी हमें। ठीक है मम्मी, तो आप आराम करो और मैं प्रिया को आधे पैसे दे दूंगी इससे। और अब मैं निकलती हूँ क्योंकि इनका भी ड्यूटी से आने का समय हो गया होगा। तो अब चलते हैं मम्मी। अच्छा बेटा आप जाओगी। चलो ठीक है जाओ, किसी चीज की जरूरत हो ना तो फोन करके बता देना। ठीक है। अरे हाँ मम्मी, कोई दिक्कत होगी तो हम बताएंगे जरूर। आप हो ना। नमस्ते मम्मी, आराम से रहना। ठीक है, कोई काम हम करने की जरूरत नहीं है। नमस्ते बेटा, खुश रहो बेटा अपने घर में।